ऐसा नहीं होता यह पूरी एक इंटरनेशनल लॉबी थी और इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जीरो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जीरो बर्तानिया क्रिकेट बोर्ड जीरो दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा जीरो इसलिए है कि इन सब पर आजारी है भारत की यासिर साहब जरा गौर करें क्या इस वक्त पूरी दुनिया में मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है कोई एक सीरियस हो रही है बताए मुझे नहीं। हो रही है इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में जुए का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है वो भारत का जो है वो आईपीएल वो शुरू है अब कौन सा मुलक रह गया जिसके खिलाड़ी इस पे मौजूद नहीं है पाकिस्तान पाकिस्तान सिर्फ एक रह गया अब बताएं कि इंडिया की कैसीदारी होगी इस पर कि पूरी दुनिया के अंदर कोई और कर सर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो ताने बाने भारत से मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने हो पाकिस्तान के अंदर मजहबी फसादात कराने हो पाकिस्तान के अंदर लसानी फसादात कराने हो और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दरियाओं में पानी बगैर इतला के छोड़ना हो पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की अब भी कोई जारहत करनी हो तो हर चीज़ भारत से निकलती है क्योंकि बहुत सी कुतें जो गैर मुल्की कुवते और कुवतें हैं वो भारत के साथ मिलकर ये सब कुछ करते हैं हमने उस दिन भी कहा था कि इसके पीछे भारत है आपने निशानदेही की उसकी आज तस्दीक हो गई बात यह है कि या सर ये सिर्फ दो या तीन मेल्स की बात नहीं ई मेल्स की बात नहीं दो या तीन जो है वो वहाँ पे आप ये कहें कि जनाब अकाउंट बना के किए गए उसकी बात भी नहीं ये चीज़ें तो वो हैं जो सामने आ गई हैं लेकिन असल देखने वाली चीज़ क्या है क्या इन इन जाली मेल्स के जरिए इन जाली ट्वीट्स के जरिए इन जाली ख़बरों के जरिए क्या इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो जाती है क्या न्यूजीलैंड बरतानिया जैसी टीमें जो हैं वो भाग जाएंगी क्या वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो है वो भी भाग जाएगी कभी ऐसा नहीं होता ये पूरी एक इंटरनेशनल लॉबी थी और इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ज़ीरो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जीरो बरतानिया क्रिकेट बोर्ड जीरो दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा जीरो इसलिए है कि इन सब पर आजारादारी है भारत की यासिर साहब जरा गौर करें क्या इस वक्त पूरी दुनिया में मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है कोई एक सीरीज हो रही है बताए मुझे बरतानिया में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में श्रीलंका में वेस्ट इंडीज में बांग्लादेश में आयरलैंड में किसी जगह हो रही है नहीं। इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में जुए का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है वो भारत का जो है वो आईपीएल वो शुरू है और इसमें दुनिया के तकरीबन क्रिकेट बोर्ड के बहुत बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं जनाब जरा गौर करें किस तरह फिर पाकिस्तान के अंदर ये सीरियल होनी थी एक तरफ पाकिस्तान को उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पाकिस्तान को नुकसान बचाना था पाकिस्तान की शहर को नुकसान बचाना था दूसरे वो इंडिया ने अपना कारोबार करना था तमाम क्रिकेट बोर्ड बोर्ड उनके साथ थे इसरा मुलाजा गौर करें ना आईपीएल में क्या है इंग्लैंड के कितने खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के 18 खिलाड़ी टॉप 18 खिलाड़ी जो हैं वो इसमें खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सत्रह खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं न्यूजीलैंड जिनको बड़ा डर लगता है उसके जनाब न्यूजीलैंड के दस खिलाड़ी टॉप टेन पेपर वर्क किया हुआ है जनाब इस इसपे खेल रहे हैं बांग्लादेश के दो खिलाड़ी इस पर खेल रहे हैं आगे आ आगे साउथ अफ्रीका इसके खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के चौदाह खिलाड़ी इस इसमें मौजूद हैं श्रीलंका के तीन खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के तीन खिलाड़ी इसमें मौजूद है। हैं मुझे बताएं अब कौन सा मुल्क रह गया जिसके खिलाड़ी इसमें मौजूद नहीं है पाकिस्तान पाकिस्तान सिर्फ एक रह गया अब बताएं कि इंडिया की कैसी अजारादारी होगी इस पर पूरी दुनिया के अंदर कोई और क्रिकेट सीरीज तो उस वक्त होती नहीं जब तक ये जुबे का काम नहीं चलता रहता है जब तक दुनिया का सबसे बड़ा जुआ जब तक दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की बर्बादी यहां पे चलती रहती है जिसने आपने कल एक मैच नहीं देखा कि छह बोलों एक स्कोर नहीं हो सका जुआ हो रहा है ना जुआ है कौन सा मैच था कल था कल इसी लीग आईपीएल हाँ जी जनाब पंजाब का था एक मैच वहां पे हो रहा था जब दुनिया की क्रिकेट टीमें यहाँ पे मौजूद हैं जब दुनिया के मैंने तो कहा कि खिलाड़ी गिन गिन लेना मैं चैलेंज करता हूं इनमें से एक खिलाड़ी कम है मुझे कहते हैं जनाब मैं नाम दे देता हूं ये खिलाड़ियों के ये नाम मेरे पास मौजूद हैं कौन कौन सा खिलाड़ी कितने कितने में वहां पर गया है और क्रिकेट बोर्ड जो है दुनिया के वो बाकी तमाम ममालिक वो इनके आगे फकीर बने हुए हैं इनके आगे मुख्तार बने हुए हैं भारत ने एक लॉबी कायम की है जो लॉबी जो ये सब कुछ कर रही है तो ये बाकायदा प्लानिंग के तहत एक इन्होंने अपनी सीरियल बचानी थी दूसरा सजा देनी थी पाकिस्तान को कि क्यों को दे नहीं अमरीका को अड्डे दिए सजा देनी थी कि क्यों अफगानिस्तान के अंदर अमर कायम किया सजा देनी थी पाकिस्तान को कि आपके अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट आपके मुल्क में क्यों बहाल हो रही है ये न्यूजीलैंड की टीम मुझे एक बात बताएं बांग्लादेश से चल के पाकिस्तान आने तक एक माह पहले की एक खबर वो अब जिसको ये बना रहे हैं ये बाकी मामला उस वक्त तक उन्हें नहीं पता था यही न्यूजीलैंड की टीम जब वहां से निकल के होटल से निकल के एयरपोर्ट तक गई एयरपोर्ट तक एयरपोर्ट से फिर आगे गई एयरपोर्ट जाने तक एहसान कोई आया <laughs> क्या वहां पर कोई और शख्स आया किसी ने हमला किया असल मामला यह था कि यह मेल बाकायदा एक प्लानिंग के तहत भारत से यह जनरेट की गई पैगाम तो आज ही मिल जाना चाहिए था वजी आजम इमरान खान से कॉमी टीम मिलने गई है एक गाड़ी आगे पीछे सिर्फ एक कोस्ट एक कोस्ट बिल्कुल तो ये एक पैगाम दिया गया ये एक ड्रामा था और इस ड्रामे का सारा जो हिस्सा था अब मैं आपको आगे चलता हूँ ये जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिन्होंने ये जाली मेल्स बनाई जिन्होंने ये सारा कुछ किया अब इनके पीछे कौन है ये कहाँ पे हुए डिस्कस असल सवाल भारत के अंदर कौन था फिर इनके पीछे पैसे कौन लगा रहा था ये जो आई पी एल हो रहा है इस पर कौन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर बुक मेकर कि किससे रहाते मैं तीन नाम ले रहा हूँ ये तीन नाम वो है जो ये सारा कुछ मैनेज कर रहे थे जिनकी जिनके जरिए इन्वेस्टमेंट हो रही थी जिनके जरिए खाली एन इंटरनेशनल मीडिया में सारा कुछाया जा रहा था जिनके जरिए जुआ से हर चीज होती है जिनके जरिए पाकिस्तान के अंदर भी सहूलतकारों को पैसे दिए जाते हैं एक नाम है बालम बालम ग्यारह बालम अलेवन या बालम बालम ग्यारह ये इसका कोड है बालम नाम है ग्यारह नंबर इसका कोड है सही। दूसरा नाम है सागर और तीसरा नाम है मनोज ये तीन वो बड़े बुक मेकर हैं तीनों के तीनों जो हैं वो एजेंट हैं तीनों के तीनों दुनिया के किसी मुल्क में भी आप कहें कि पचास अरब की हवाला कराना पैसे बुझाने ये पहुंचाते हैं जनाब आपके पाकिस्तान में कराची इस्लामाबाद लाहौर सियालकोट मुल्तान सखर और रावलपिंडी कहां कहां मैं आपको बताऊं कि इनके रूट्स हैं हमारे ही पाकिस्तान के बुक मेकर्स इनसे अरबों रुपए का लेन देन करते हैं और उसके बाद जिनको ये कहते हैं उनको पैसे इस तरीके से दिए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते तो ये पूरी एक प्लानिंग थी या सर सुबह से सब ये चला रहे हैं बिल्कुल और साहब ने तो उल्टा के रख दिया ना एक एक चीज़ निकाल दी उनका सब कुछ करके निकाल दिया और अगला पोस्टमार्टम हमने आपके सामने रख दिया कि भाई क्या हो रहा है ये जो क्रिकेट मैच सीरियल हो रही है आई हो रही है इसमें जब तमाम दुनिया के ममालिक यहाँ पर होंगे और अगर पाकिस्तान के अंदर वो सीरियल हो जाती शुरू तो भाई, भाई ये सीरियल तो इनका तो ये जुआ नाकाम हो जाना था लोगों की तो वह जो नहीं थी असल क्रिकेट की तरफ तो उन्होंने कहा जी नहीं ये क्या हो गया एक तो एक तिर से दोषकार आपको पता है चले मैं आपके एक और ख़बर ही खबर दे देता हूँ बंग्लादेश के अंदर क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों की न्यूजीलैंड के कुछ अफराद के साथ मुलाकात नहीं हुई बांग्लादेश में जनाब कितने दिन पहले जब यह सीरियल खेलने गए हुए थे तो उसमें क्या बातें उसमें बड़ी चीजें तय ये सब कुछ तय था, था जो कुछ लोग किसने वहां पे वहां पे क्या ये नहीं हुई कि पाकिस्तान के अंदर आप गैर महफूज होंगे क्यों नहीं बताते सवाल पूछें कि बांग्लादेश में इन्हें सिक्योरिटी कितनी मिली थी बांग्लादेश की जरा आप सिक्योरिटी देख लें तो आपको पता चले शेख शीत ने ठीक कहा था कि न्यूजीलैंड में उतनी फौज नहीं है जितनी पाकिस्तानी सिक्योरिटी दे दी तो वहां पर जो इनको इंडियन क्रिकेटर इंडियन बोर्ड के कुछ लोग मिले थे वो किस लिए मिले थे रूल के मुताबिक तो जब आपकी किसी मुल्क की भी कोई क्रिकेट टीम कहीं जाती है तो वो तो किसी और से मिलती नहीं इनसे क्यों मिले थे वहां पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्यों नहीं थी वहां पर सारे मामलों क्यों दुरुस्त थे या सर बहुत से ताने बाने हाल ही मिलते नहीं इनमें से बहुत से बहुत सी जगहों पे बहुत बहुत से लोगों के साथ फिट हैं तो इसलिए हमेशा एक तरक्की बर... पसीर मुल्क समझते हैं नहीं, नहीं मैं लिए... आगे भी आके जाता हूं आगे इसीलिए इस, इस, इसी एहसान फरामोश हो जाते हैं कि जब कोविड के दिनों में कोई टीम आने को तैयार नहीं थी पाकिस्तान बरतानिया गया थर्ड क्लास होटल्स में खिलाड़ी रहते रहे उन्हें बुरी तरह ट्रीट किया गया लेकिन क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पर पहुंचे लेकिन अब जबकि पाकिस्तान महफूज मुल्क है तमाम सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराहान यहां पर आए हमने सेफ हेवन आपको दी उसके बावजूद आपको यहां पर सिक्योरिटी मैंने तो आपको आगे रखती है या सर कि ये